हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करूँगा, यदि आप सरकारी योजना का किसी भी तरीके से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो आपको जो है NPCI लिंक जरूर कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप NPCI लिंक किए हुए फिर भी अगर आपको सरकारी पैसा आपके खाते तक नहीं पहुँच पाता है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं NPCI लिंक है या फिर नहीं है, अगर है तो कौन सा बैंक लिंक है। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाली है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। इसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा या फिर कोई दूसरा ब्राउजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है NPCI लिंक स्टेटस लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप NPCI लिंक लिख करके सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में जो वेबसाइट दिखाई देगा लिंक, इसी लिंक के ऊपर मैं आपको एक क्लिक कर देना। इस लिंक के ऊपर मैं जैसे आप क्लिक कीजिएगा पेज ये आपका रिडायरेक्ट होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू से आप NPCI का लिंक भी चेक कर सकते हो, तो एकदम रियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल स्टेप में आप अपने NPCI स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ और वर्चुअल आईडी का दिया हुआ, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हो। वर्चुअल आईडी आधार नंबर जो होता है उसके जस्ट नीचे में एक वर्चुअल आईडी होता है। यदि आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वर्चुअल आईडी साथ में अटैच होता है, या फिर आपकी अगर आपके आधार कार्ड पे नहीं होता तो आप जनरेट भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आधार नंबर से भी इसको चेक कर सकते हो। यदि यहाँ पे आधार नंबर जो है ऑलरेडी सेलेक्ट करो, यदि वर्चुअल आईडी से करो तो इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपका आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है, कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP के ऊपर में क्लिक कर देना। दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा हुआ तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए, तब जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो प्रोसेस है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर के भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये फुलफिल कर दिया, सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करना। आप इस तरीके से आपको एक मैसेज दिखा देगा, OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक हुआ है उस पर एक OTP भी गया होगा। OTP को आपको यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा, OTP को आपको एंटर कर देना और फाइनल सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना। ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से इसका रिजल्ट आपके सामने में दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आपका NPCI लिंक किया हुआ रहता है तो कंग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा, एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है वो भी दिखाई देगा, कौन सा बैंक है वो भी दिखाई देगा, कब आप लिंक किए थे वो सारा चीज़ आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस से घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से NPCI लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस NPCI लिंक से बेनिफिट ये होता है कि आजकल के डेट में जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हो या फिर और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपको सब्सिडी या फंड मिलता है, तो ये प्रोसेस जो है आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, लिंक नहीं किया हुआ रहता है तो आपको पैसा नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज के डेट में जितना भी पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है सरकारी तरफ से, आपके आधार नंबर से पैसा भेजा जाता है। दोस्तों यदि NPCI लिंक आपका नहीं किया हुआ रहता है तो आपको यदि पैसा भेजा भी जाता है तो आपके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुँच पाता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस ऑप्शन को जरूर एक्टिवेशन करके रखना चाहिए। और यदि नहीं है तो आप किस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता है, अगर आप चाहते हो कि जो भी सरकारी पैसा मिले वो इसी बैंक में है, उस बैंक में आपको अपने आधार कार्ड का 2 कॉपी और अपना पासबुक लेकर के जाना है और वहाँ पर बोलना है कि सर मेरा जो है NPCI लिंक कर दीजिए। इस तरीके से आपका NPCI लिंक हो जाएगा और फिर जो भी सरकारी योजना का लाभ आएगा उसी बैंक में आपका सीधे पहुंच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को एक लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नया इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।